Wien. Vater ist offen. Der hat ihn getroffen. सत्तर साल हो गए आज 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बना के इस देश को दिया जिसने इस देश की तरक्की करने के सारे रास्ते खोल दिए। एक ऐसी बुक दी जो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में तब्दील करती थी। फंडामेंटल राइट्स दिए वो लोग जो इस देश के अंदर संख्या में भारी थे, उनके पास कोई राइट नहीं था। ऐसी बुक जहां पर लागू हुआ करती थी जिसके अंदर जात पात थी, ऊंच नीच था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे के बाबा साहब ने इस देश की जंजीरें जो हाथों में पड़ी थी गरीबों के वो काट दी और ये देश जो है बाबा साहब के संविधान पर चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो रही है और लगता है कि देश दोबारा जो बुद्धमय था सोने की चिड़िया ये बड़ी जल्दी यहाँ बनेगी। सरकार ने भी इस दिन को अपने इंस्टीट्यूशनों में और गवर्नमेंट अदारों में मनाने की बात की है। अच्छा है, फंडामेंटल राइट्स लोगों को पता चलेंगे, लोग अपने अधिकारों के प्रति खड़े होंगे, अगर वो पूरे नहीं हुए तो एजिटेट भी करेंगे। ये सारे रास्ते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें बताए हुए। उसी रचना में आज सब लोग जहाँ अम्बेडकर चौक में इकट्ठे हुए थे और ये दिन याद कर रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और भारतीय संविधान को पूरा का पूरा लागू कराने और उसे बचाने। आजकल कुछ ऐसा लग रहा है कि संविधान के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये जो फ्रंट है ये संविधान की रक्षा करने के लिए भी पूरी जोड़ तोड़ करेगा और इसे पूरा का पूरा लागू करेगा।